हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली पुलिस MTS में है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब इसमें मल्टीटास्किंग कौन कराया जा सकता है। जो वैकेंसी है उसमें पोस्ट कौन कौन से हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो पोस्ट है कुक के, वाटर कैरियर के, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, ट्रेलर माली, बार्बर एवं कारपेंटर, इतने सारे पोस्ट है। लगभग कुल मिला के 707 वैकेंसी है सारे मिला के, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट, जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो आपको 10th पास होना चाहिए, या तो मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर समकक्ष होना चाहिए उसी के, ITI आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड से रिलेटेड समकक्ष में, ठीक है। या फिर आप मैट्रिक पास हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है पूरा डिटेल, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस MTS मैंने पहले ही बता दिया था, तो ग्रुप डी की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो देख लेते हैं एप्लीकेशन बिगेन, मतलब कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, 17 दिसंबर 2017 से, ठीक है। लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, 16 जनवरी 2017। और लास्ट डेट है पेमेंट करने की, आपका पेमेंट जो 100 रुपीज पेमेंट करना है 16 जनवरी 2017 है लास्ट डेट पेमेंट करने की, जिस दिन लास्ट फॉर्म भरने की, ठीक है। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है कब एग्जाम डेट होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अप्लीकेशन फीस, कितनी फीस लगने वाली आपकी फॉर्म भरने में। तो जनरल OBC की बात करें, जनरल OBC के लिए 100 रुपीज आपका फॉर्म भरने का पेमेंट लगेगा। SST की बात करें, 0 रुपये। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल रखी गई है, जो सही है, मीडियम है, सही है, ठीक है। और पोस्ट मैंने टोटल पोस्ट मैं बता देता हूँ फिर से, 707 पोस्ट है, मतलब 700 के करीब वैकेंसियाँ हैं इसमें। और जो पोस्ट नेम है, कौन कौन से पदों पर भर्तियाँ होनी है मल्टीटास्किंग में, कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, मोची है, धोबी है, ट्रेलर है, माली है, बार्बर है और कारपेंटर है, ठीक है। एलिजिबिलिटी में फिर से बता दें तो आपको 10th पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर जिस ट्रेड से रिलेटेड हो उसी ट्रेड से ITI होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और भी जो चीज़ें हैं उसे जानने के लिए, आपको जो नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी का वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट इस फॉर्म का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जो आप अप्लाई करने चाह रहे हैं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं पास रखी गई है मिनिमम योग्यता, अगर जो आप 10वीं पास है तो आपके लिए अच्छा मौका है और दिल्ली पुलिस में काम करने का, ना कि आप पुलिस के थ्रू, ना आप और भी सेवा कर सकते हैं, इसमें और भी पोस्ट हैं ग्रुप डी के हैं, ठीक है। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।